जो फिर टेक्सचर आज के टॉपिक पे देखा जाएगा एक फौजी गेम के पे, उस गेम में क्या क्या फीचर्स है और उस टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, उसे भी जाके आप फॉलो कर लीजिए। उसमें काफ़ी सारे मैं मूवीज अपलोड करते रहता हूँ, तो अगर आपको कौन सा भी मूवी चाहिए हो तो मैसेज कीजिए सिंपल सी, तो मैं आपको डाल दूंगा डायरेक्ट, कौन सा भी मूवी पोस्ट करते रहूँगा। तो अगर चैनल में नया है तो सब्सक्राइब और लाइक बटन को जरूर दबाएं ताकि के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्ड की तरफ चलते हैं। ये जो फौजी गेम है जो इनकोर गेम ने डेवलप किया है, तो ये इसका जो कंपनी है बेंगलोर में है। तो चलिए हम गेम के अंदर जाते हैं। तो ये पूछ रहा है वेलकम टू फियर फौजी फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड, तो ये आए तो अब सेट कर लेंगे हम लोग। तो गेम लोड हो रहा है, कनेक्टिंग टू द सर्वर। ऑनलाइन तो नहीं है दोस्तों, ये तो ऑफलाइन ही है। चलो प्ले करके देखते हैं। कैंपेन कमिंग सून, टीम डेथ और थ्री फोर और ये दोनों आ रहे हैं कमिंग सून, मतलब नेक्स्ट अपडेट में आएगा लगता है टाइम से। चलो अभी के लिए कैंपेन स्टार्ट। 15 जून, ये ऐसी इसका स्टोरी है। बजे गलवान घाटी, अब देख सकते हैं हिमालय की ऊंचाइयों पर भारतीय सीमा का एक सुदूर वीरान इलाका। कॉर्पोरल अहमद, बेसिकली स्टोरी एक रिलेटेड एक मिलिट्री बेस के ऊपर है। तो देखिए वहां और भी दो आपस के कंट्री की पोजीशन के ऊपर का स्टोरी है। अकेले नहीं थे दुश्मन सैनिकों ने, जिसके पत्थरों की आग लेकर फौजी यूनिट पर धावा बोल दिया। विरोधी का सामना करना पड़ा वो थे भूस्खलन से गिरे और अंधेरा छा गया। 6 घंटे बाद जब लेफ्टिनेंट सिंह की आंख खुली तो उनका सर चकरा रहा था। पहाड़ से हुई पत्थरों की उस बौछार से खरोचों और घावों के साथ उनके सर पर भी चोट आई थी। अहमद, ढिल्लो, रवि। फिर भी उनकी हालत उन दोनों फौजी भाइयों से बेहतर थी जो उनके पास बर्फ में शहीद हो चुके थे। कम से कम वो जिंदा तो थे। भारतीय सेना बिना लड़े कभी हार नहीं मानती और फौजी कभी पीछे नहीं हटता। ये लड़ाई ऐसे खत्म नहीं होगी, जो अभी मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। नहीं नहीं ये नहीं है, बहादुरी, भाईचारे और भारत के लिए शायद यही फौजी तो ऑलमोस्ट गेम स्टार्ट हो रहा है, मैं स्किप कर रहा हूँ फटक से। चलिए गेम स्टेज, और ये गेम तो बाकी स्मूथ तो है, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ गेम एकदम तो स्मूथ है। और मुझे शायद लगता है कि राइट और लेफ्ट टर्न लेने में थोड़ा टाइम लगा रहा है, लेकिन ये भी थोड़ा पर्क से लग रहा है शायद से। ये देखो दोस्तों एनिमीज आ चुके हैं, मैं इसको मार रहा हूँ। इस गेम की माइनस पॉइंट की देखा जाएगा तो गन नहीं है ये गेम में बिल्कुल, वही मेरे को देख के एक माइनस पॉइंट हो गया इस गेम में। और ये जो फायर है यहाँ जाके आप हेल्थ को रिस्टोर कर सकते हो, ये जो ब्लू आगे ऊपर और जो ग्रीन वाला दिख रहा है यहाँ जाके आप रिस्टोर कर सकते हो। तो देख सकते हैं मेरा ऊपर वाला ग्रीन वाला जो हेल्थ है वो बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो ऑलमोस्ट फुल हो गया। चलो निकलते अभी। और ये जो कैंप है छोटा छोटा इसके अंदर नहीं जा सकते, ये जो टेंट बना के रखे हैं लोग ने, यहाँ पे लोग गन्स देना चाहिए था लेकिन यहाँ पे तो ये गन्स का कुछ ऑप्शन ही नहीं है। बेसिकली एक मिलिट्री बेस रहेगा तो एक गन्स तो रहना चाहिए, लेकिन इन लोग ने गन्स ही नहीं दिया। तो ये देखो ये एक ये आपको मिल जाएगा एक वेपन्स ऐसा मिलता है छोटा मोटा, मतलब मारने का वेपन्स, ये कुछ देर तक ही रहता है। अब देख सकते हो देखो जैसे कि GTA Vice City में मिलता है ये जो।
तो आप देख सकते हो ये भी कुछ देर के लिए रहता है, जो ये देखो ग्रीन वाला जब कम हो रहा है ना वो उतना देर ही ये रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है। बहुत बढ़िया मार रहा हूँ। चलो बस ये ऐसी मतलब इसका आगे आगे यही लेवल रहता है, जितना आप मारेंगे आपका लेवल बढ़ते रहेगा, वही है वही इसका सीन है। कई कई चार लोग खेल के पांच लोग आ जाते हैं तब मारना मुश्किल हो जाता है, बहुत टेक्निकली मारना पड़ता है। अब देखो ये चार लोग आया, बहुत टेक्निकली मारना पड़ता है। अगर अपन एक को अटैक करते हैं कंटिन्यूस, अपन एक को अटैक करेंगे तो देखो क्या नतीजा होएगा अपन को। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक को मैं सिर्फ मैं एक को ही अटैक करता हूँ, ये देखो पीछे वाला मार रहा है। अगर अपन एक को अटैक करेंगे बार बार तो पीछे वाला अपन को मार देता है, ऐसा शॉट है ये गेम में, एक ही शॉट है ऐसा है। अगर आप एक के ऊपर ही मारोगे तो दूसरा भी आपको आके मार देगा फटाफट। तो आप देख सकते हैं मेरा हेल्थ भी देखो कितना थोड़ा सा कम हो गया, तो आप हेल्थ तो बढ़ा सकते हो बार बार जाके, आप वो फायर रूट की तरफ जाके बढ़ा सकते हो। ये भी कुछ रियलिटी जैसे ही लग रहा है, लेकिन कॉर्पोरल तुम कहाँ हो? मुझे ये टेंट का बहुत अच्छा लगा ये गेम में, अगर ये टेंट का कुछ अपडेट आता है तो मुझे और अच्छा रहेगा। टेंट में देखो यहाँ तो कुछ दिया है, हेलमेट वगैरह, हेलमेट नहीं नहीं कुछ, हाँ ये हेलमेट है, ये जो है ये हेलमेट है, और इधर का तो क्या बता नहीं, खाना भी ना है। ए यहाँ पे तो चाइनीज़ में कुछ लिखा है नीचे शायद से, क्या बता, ऐसा लगता है कि चाइनीज़ का बॉर्डर है, मतलब चाइना का बॉर्डर लग रहा है मेरे को लगता है। मैं अपनी टीम के कैंप में लोग जो खा रहे हैं वो मेरे को लगता है लोगों को वापस घर भेज देंगे, ये दूसरा किसी कंट्री का बॉर्डर है, एक सोल्जर फंस जाता है फिर उससे कैसा निकलता है अभी तक मेरे उसके रिलेटेड ये गेम है मुझे लगता है। ये देखो दोस्तों कितना मार रहा है मुझे। तो यही है इस गेम का, यही एक माइनस पॉइंट था कि अपने को गन नहीं मिलेगा ये गेम में, सिर्फ हाथ से ही मारना पड़ रहा है हमेशा। तो बीच बीच में आपको लकड़ी या आयरन रॉड आपको मिलता है तो आप उससे भी आप मार सकते हो कभी कभी, और बाकी इस गेम में तो कुछ खासियत है ही नहीं है, इसमें कंटिन्यू आपको हाथ से ही मारना पड़ेगा। लेकिन इस गेम में अगर गन्स दे दे तो बहुत थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता था, कंटिन्यू गन्स स्नाइपर वगैरह कुछ एक एक्स्ट्रा गन्स वगैरह देते थे तो और अच्छा रहता था, और बढ़िया हो जाता था ये गेम में। और ये गेम यही माइनस पॉइंट था। और एक माइनस पॉइंट की बात करेंगे तो ये जो लेफ्ट राइट घूमता है ना ये भी थोड़ा स्लो है, इसका रेस्पॉन्स टाइम भी थोड़ा स्लो लग रहा है मेरे को। ये मेरे को लगता है कुछ तो एक पक्स है लग रहा है, इसके लिए ये पक्स नेक्स्ट अपडेट में क्लियर हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो ये लेफ्ट राइट में भी मेरे को थोड़ा सा तकलीफ ऐसा लग रहा है, मतलब थोड़ा हैंग होने जैसा लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट अपडेट में हो जाएगा ऑलमोस्ट। तो चलिए आज के लिए इतना ही टॉपिक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।